नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहाचार्य SPC गवर्नमेंट कॉलेज में से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम बायोजोग्राफी के कई टॉपिक्स के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि प्लांट क्लासिफिकेशन दो प्रकार का होता है, टैक्सोनॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल अथवा आकार की वर्गीकरण, और दूसरा हमने पढ़ा था पारिस्थितिकी वर्गीकरण या इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन या डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा वानस्पतिक अध्ययनों के अनुसार पृथ्वी पर पुष्पीय पादपों की उत्पत्ति कुछ स्थानों पर ही हुई। इनका भावी प्रसार नवीन पादप प्रजातियों की उत्पत्ति व दूरस्थ स्थानों पर प्रवास के साथ साथ होता रहा। फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन के कारण ही पौधे आज भूमंडल के विस्तृत भाग पर पाए जाते हैं। पादप विकास में प्रकीर्णन की भूमिका अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अपने उत्पत्ति स्थल से विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंचकर बीजों के सफलतापूर्वक अंकुरण की प्रक्रिया को पादप प्रवास या प्लांट माइग्रेशन कहते हैं। प्रवास स्थल पर नवीन परिस्थितियों के अनुरूप पादप प्रजाति द्वारा स्वयं को सफलतापूर्वक स्थापित करने की प्रक्रिया को पुनर्स्थान या एसिस कहते हैं, ECE SIS कहते हैं। अब हम ये पढ़ना चाहेंगे कि प्रकीर्णन का महत्व क्या है इस जगत में, प्लांट किंगडम में प्रकीर्णन का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पर्सल क्या है। फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन की पृथ्वी पर पादप विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। पांच स्थितियों पर हम इनको रखते हैं। पहली स्थिति है इम्पोर्टेंस की, वो है जीवन संघर्ष से बचाव। एक पादप के समुचित विकास के लिए पर्याप्त स्थान, जल, वायु, प्रकाश व पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रकीर्णन ना होने की स्थिति में पौधों के समस्त फल व बीज पैतृक भूमि पर ही गिरकर अंकुरित हो जाएंगे, और समान पौधों की मूलभूत आवश्यकताएं समान होने के कारण उनमें जीवन संघर्ष तीव्र हो जाएगा। इसके फलस्वरूप अधिकांश पौधे नष्ट हो जाएंगे व कोई भी ठीक प्रकार से विकसित ना हो सकेगा। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि प्रकीर्णन द्वारा बीज दूरस्थ व नवीन स्थानों पर पहुंचे। दूसरा इम्पोर्टेंस है व्यापक क्षेत्र में वितरण। समस्त सजीवों में अपनी जाति के प्रसार का गुण प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। पादप अचल होने के कारण अपनी प्रजाति के व्यापक क्षेत्र में वितरण का उद्देश्य मात्र बीजों के प्रकीर्णन से ही पूर्ण किया जा सकता है। प्रजाति सांतत्य। व्यापक क्षेत्र में वितरण के समान ही जीवों में अनंत काल तक अपनी प्रजाति की निरंतरता की सहज प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रकीर्णन के कारण इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। चौथा है विलुप्ति से बचाव के। प्राकृतिक या मानवीय प्रकोपों के समय वनस्पति का व्यापक विनाश होता है। अधिकांशतः आसपास की भूमि पर उगे होने की स्थिति में पौधों का वंश की दृष्टि से समाप्त हो जाएगा, किंतु प्रकीर्णन के कारण दूर दूर तक वितरित होने से प्रकोप के उपरांत भी पादप जाति का अस्तित्व बढ़ जाता है। पांचवा है इसके इम्पोर्टेंस का, नवीन जातियों का उद्भव। प्रकीर्णन द्वारा नवीन क्षेत्रों में जाकर स्थापित हुए पादपों के उस क्षेत्र की समान जातियों के मध्य संकरण या नवीन जीन पुनर्जीवन या पुनर्योग उत्पन्न होने से कालांतर में नवीन जातियों की उत्पत्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस कारण हम डिस्पर्सल को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अब हम इस डिस्पर्सल के मीन्स के बारे में या प्रकीर्णन के साधनों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार ये प्रकीर्णन होता है और किन साधनों द्वारा होता है। बीज और फलों में स्वगति की क्षमता नहीं होती क्योंकि वह अचल होते हैं।
अतः प्रकीर्णन के लिए कुछ कारकों या साधनों की आवश्यकता होती है। इन साधनों द्वारा वितरित होने के लिए बीजों तथा फलों में विशिष्ट आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। बीजों का आकार, संख्या व बनावट का प्रकीर्णन पर प्रभाव पड़ता है। बीज छोटे व हल्के हो तो काफ़ी दूर तक जा सकते हैं और बीजों के प्रकीर्णन की दूरी तथा गति उनका परिवहन करने वाले साधनों पर भी निर्भर करती है। इसमें प्रमुख कारक है, पहला है वायु द्वारा प्रकीर्णन, डिस्पर्सल बाय विंड्स। बीजों तथा फलों के प्रकीर्णन के लिए वायु प्रमुख माध्यम है। वायु द्वारा परिवहन के लिए फलों व बीजों में अनेक अनुकूलताएं पाई जाती हैं। इसी अनुकूलन के कारण बीज वायु में प्रवाहित होते हुए काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। अब किस तरह वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है? पहला है सूक्ष्म व हल्के बीज, माइन्यूट एवं या एंड लाइट सीड्स। कुछ पौधों के बीज या बीजाणु इतने सूक्ष्म, शुष्क तथा हल्के होते हैं कि वायु के साथ आसानी से दूर तक उड़ा लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के घास व आर्किड के बीज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ आर्किड्स के एक बीज का भार 0.004 मिलीग्राम तक होता है। इनके एक फल में लाखों बीज समा जाते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं सपक्ष फल व बीज या विंग्ड फ्रूट्स एंड सीड्स। कुछ पौधों के फलों व बीजों में पंख जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनसे ये वायु के साथ आसानी से उड़ जाते हैं। एस्केलेपियास, चिट्स, चीड़, मोरिंगा, ऑरक्सलिन, सिंकोना आदि के बीजों में तथा एसर, मैपल, मधुलता, डाइस्कोरिया आदि के फलों में पंखनुमा संरचनाएं मिलती हैं जो कि वायु द्वारा काफ़ी दूर तक उड़ा ली जाती हैं। अगली तरह के जो बीज होते हैं वो है पैराशूट प्रक्रिया द्वारा, वायु में पैराशूट प्रक्रिया द्वारा या पैराशूट मैकेनिज्म द्वारा बीज किस प्रकार डिस्पर्सल करते हैं। कुछ पौधों के फलों व बीजों के सिरों पर रोमिंग उपांग पाए जाते हैं जो पैराशूट की तरह कार्य करते हैं। इनके कारण वायु इन्हें काफ़ी दूर तक उड़ा ले जा सकती है। पैराशूट प्रक्रिया में फलों व बीजों के निम्न उपकरण होते हैं। पहला है पेपस, PAPPUS, पेपस। कंपोजिट कुल के पौधों में फल के ऊपरी सिरे पर स्थायी रोमिल बाह्य दलचक्र होता है जो वायु में पैराशूट के समान फैल जाता है। डेंडलियन और टैक्स सेकम इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी प्रकार के होते हैं रोम गुच्छ या कोमा, COMA, कोमा। कुछ बीजों के सिर पर कोमल रेशों के गुच्छे होते हैं जो कि पैराशूट विधि से होने वाले प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। ऑक और एस्टोनिया इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तीसरी प्रकार के होते हैं बीजावरण पर स्थित रोमिल संरचनाएं, हेरी आउटग्रोथ ऑन सीड्स। कुछ बीजों पर पैराशूट विधि से प्रकीर्णन में सहायक रोमित रचनाएं पाई जाती हैं। कपास, ढोकला, नाखेलिया आदि इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। चौथा है स्थाई रोमिल वर्तिका या पर्सिस्टेंट हेरी स्टाइल। कुछ पौधों के पुष्पों में स्थाई व रोमिल वर्तिकाएं होती हैं। ये फूल के साथ स्थाई रहने के कारण पैराशूट विधि से प्रकीर्णन में सहायक होती हैं। नाखेलिया, क्लीमेटिस आदि इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और पांचवें प्रकार के हैं गुब्बारे सदृश उपांग या बैलून शेप्ड अपेंडेंजेस। कुछ पौधों के फल या बीज में स्थाई बाह्य दलपुंज गुब्बारे जैसा फूला हुआ रहता है जिसकी सहायता से अधिक समय तक वायु में ये रह सकते हैं। फाइजेलिस, रसभरी, कोलुटिया, कार्डियोसम या गुब्बारा बैल आदि इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और दै प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वायु द्वारा वो कहलाती है संवेदन प्रक्रिया या सेंसर मैकेनिज्म। कुछ फलों के बीज सूक्ष्म छिद्रों से बाहर निकलते रहते हैं। जब पवन के झोंकों के साथ पौधे हिलते हैं तो फल में उपस्थित सूक्ष्म बीज थोड़े थोड़े बाहर निकलते रहते हैं। पोस्त हस्तलता
एंटी राइनम आदि इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अब हमने पढ़ा पहला जो प्रकीर्णन का साधन था वो था वायु द्वारा प्रकीर्णन। अब दूसरा जो साधन है वो है जल द्वारा प्रकीर्णन, डिस्पर्जल बाय वाटर। अनेक फलों व बीजों के चारों ओर कई रक्षात्मक आवरण व प्लवन साधन पाए जाते हैं। जलीय पादपों तथा जल राशियों के समीप उगने वाले पादपों के बीजों तथा फलों में ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं। नारियल के तंतु में फल की मध्य भित्ति इसे हल्का बनाती है तथा काष्ठीय अंत फल भित्ति इसकी रक्षा करती है। महासागरीय धाराएं, समुद्री लहरें, नदियां, हिमखंड आदि फलों, बीजों एवं पौधों को कई मील दूर तक प्रवाहित कर ले जाते हैं। हिंद महासागर व प्रशांत महासागर के द्वीपों पर नारियल का प्रकीर्णन इसी माध्यम से हुआ है। इसी प्रकार वाटर लिली या कुमुदिनी के हल्के बीज आसानी से पानी में तैरते चले जाते हैं। कमल का स्पंजी पुष्पांग जल की सतह पर तैरते हुए दूर तक चला जाता है। सिंगारे के पके फल भी टूटकर जल प्रवाह के साथ अन्यंत्र चले जाते हैं। बाढ़ के समय नदी नालों के तीव्र प्रवाह के साथ अनेक प्रकार के बीज में पादप बहुत दूर तक गति करते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वर्ष पर्यंत होने वाली तीव्र वर्षा के कारण भूपुष्प पर पड़े बीज भी दूर तक गति करते हुए प्रकीर्णन करते हैं। तीसरा जो प्रकार है प्रकीर्णन का वो है हिम द्वारा प्रकीर्णन, डिस्पर्जल बाय स्नो एंड आइसबर्ग। हिमपात, हिमानी व हिमखंडों द्वारा भी बीजों का दूर तक प्रकीर्णन होता है। हिमरेखा से ऊपर उच्च पर्वतीय भागों में स्थित पादपों के बीज हिमानी के साथ या हिम के पिघलने पर निम्न भागों की ओर प्रवाहित होते हैं या परिवहित होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में माउंटेन सोरेल, ऑक्सीलाइडिजीनिया, मॉस कैंपियन व अनेक प्रकार के सेक्सी फ्रेज पादपों का फैलाव पिघलते हुए हिम के साथ हुआ है। यूरोप व उत्तरी अमेरिका में हेमलॉक, एल्डर, एल्म, स्प्रूस, पाइन, पोपलर, बीच इत्यादि वनस्पति का फैलाव होलोसीन युग में बर्फ के खिसकने के साथ हुआ है। हिमप्लव या आइस फ्लो एवं हिमखंड आइसबर्ग बीजों को काफी दूर तक ले जाते हैं। प्लिस्टोसीन युग में जबकि उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग हिम आच्छादित था, तब हिमखंड ही बीजों के अंतर महाद्वीपीय प्रकीर्णन के प्रमुख कारक थे। अनेक प्रकार संपूर्ण पादप भी हिमखंड के साथ चिपक कर दूर तक निकल जाते हैं। और चौथा जो प्रकार है वो है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, डिस्पर्जल बाय एनिमल्स। कई फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है। कुछ फलों में हुक, कठोर रोम व चिपचिपी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो जंतुओं के शरीर तथा रोगों में उलझकर या चिपक कर दूर तक चली जाती हैं। एरिस्टन घास, चोर कांटा, एंड्रोफोगन, आधा शीशी का डोडा, जेंथियम, जगनखी या मार्टिनिया और सलसोड़ा या गुंदा कोडिया आदि इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। खाने योग्य सरस फलों व बीजों का प्रकीर्णन पक्षियों, मनुष्य व जंतुओं द्वारा किया जाता है। अनेक बीज अपच होने के कारण मल के साथ बाहर आ जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। पक्षियों की बीट के साथ जाने वाले पीपल, बरगद के बीज दीवारों पर अंकुरित होते हुए देख सकते हैं। पक्षियों की चोंच के चिपके हुए बीज अन्य वृक्ष की शाखा पर चोंच को रगड़ते समय पहुंच जाते हैं। मछलियां व अन्य जलीय जीव समुद्री वनस्पति के फैलाव में सहायक होते हैं। स्वयं मानव भी फलों के बीजों के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण है। विश्व के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों, फसलों व फूलों की कृषि का प्रसार मानव द्वारा ही हुआ है। खाद्यान्नों के आयात के साथ साथ अनेक प्रकार के खरपतवार व अवांछनीय पादपों के बीज भी आ जाते हैं। विलायती बबूल व गाजर घास इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और पांचवा और लास्ट डिस्पर्जल का जो साधन है वो कहलाता है यांत्रिक प्रकीर्णन या मैकेनिकल डिस्पर्जल। कुछ पादपों में फिस्फोट प्रक्रिया या प्रोपल्शन एंड इजेक्शन द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, अर्थात प्रकीर्णन का कारक स्वयं पादप होता है।
इनके फलों के परिपक्व होने पर फल भित्ति तन जाती है। वायु और जल की बूंदों का स्पर्श होने, जीव जंतुओं द्वारा छूने या वातावरण की आर्द्रता में परिवर्तन होने पर ये फल अकस्मात फट जाते हैं एवं इनके बीज दूर दूर तक फैल जाते हैं या बिखर जाते हैं। जिरनेनियम व गुल मेहंदी के परिपक्व फल जरा सा छूने पर फट जाते हैं तथा बीजों को दूर तक फेंक देते हैं। दलहनी पौधों की फलियां सूखने पर फट जाती हैं तथा बीज दूर तक जा गिरते हैं। एक्वेलियम के फूल के परिपक्व होने पर हल्का सा छूते ही इसमें कुछ तरल सा पदार्थ और बीजों का फव्वारा फूट पड़ता है और ये दूर तक फैल जाता है। फव्वारे के साथ बीज 3-4 मीटर दूर तक गिरते हैं। इसे बोछार वाला खीरा भी कहते हैं। बालसम वृक्ष के बीज यांत्रिक प्रकीर्णन द्वारा 6-7 मीटर दूर तक चले जाते हैं और फैल जाते हैं। आज हमने डिस्पर्जन ऑफ प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया। कल हम पादप प्रकीर्णन अवरोध या बैरियर्स टू प्लांट डिस्पर्जन कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।